लेते मैदान के बीच में एक दो जबरदस्त टीम, दोनों टीमों में कोई कमियां नहीं देखने को मिलेगा। एक तरफ टीम टेकर हाथू चैमसा की टीम है तो चैमसा एफसी खुद और ओयबोन के द्वारा एक उछाल भरी पास अपना साथी मानसिंह गोप के लिए। मानसिंह गोप ने गेंद को रिसीव करने के बाद पीछे बीच अपना साथी ढूंढने के बुलेट के लिए गेंद निकालना चाहा, लेकिन जब तक बुलेट पहुंचते गेंद पहुंचते उनसे पहले गेंद ओपनर टीम टेकर हाथू के डिफेंडर के पास जाता हुआ। टेकर हाथू डिफेंडर थोड़ी सी जल्दीबाजी करते हुए गेंद को क्लियर करना मुनासिब समझता हुआ। और ये बांसी फुटबॉल दुनिया की एक चर्चित मिडफील्ड में से एक बांसी दोगम, और उनकी अगर नाम अगर उनकी अगर असलियत नाम अगर बोले तो वो है रेवत देवगम, लेकिन उनका फुटबॉल की दुनिया में बांसी के नाम से जाने जैसे बने चार में खेलता हुआ और जैसे मैं चार पे इस वक्त बांसी पुनः वीरेंद्र बिरुआ और वीरेंद्र बिरुआ के पास भी काफी स्किल है। जैसे मैं छह पे खेलता वीरेंद्र बिरुआ, लेकिन उससे पहले टेकर हाथू के का मिडफील्ड आगे जाता हुआ सुंदर कोबिंग के बाद गेंद को मुख्य डिफेंडर के सरकाते हुए मुख्य डिफेंडर गेंद को ले जाते हुए सुंदर प्लेसमेंट अपना स्ट्राइकर को ढूंढा है। यहाँ पर टेकर हाथू गेंद को अपने कब्जे में अभी रखे हुए टेकर हाथू खिलाड़ी और सुंदर ड्रिबल क्या शॉट निकलता शॉट पूरी तरह से एक रॉकेट की भांति गेंद गया, लेकिन संजय एक चर्चित गोलकीपरों में से एक मंझारी प्रखंड से एक बिलोंग करते हुए गोलकीपर एक सुंदर गोलकीपिंग का नजारा टीम के लिए गोल रक्षक बने हुए हैं चाईवासा एफसी के पास गिना बीबी और इस वक्त सनातन गोप अपनी रफ्तार इनके पास रफ्तार है जब जब इनको गेंद मिलेगा तब तब उनकी रफ्तार देखने को मिलेगा। और इससे पहले टाई ब्रेक चल रहे थे जो कि दो टीम से कौन सी टीम जीत दर्ज की कृपया करके हमें सूचना देंगे। मुनराइज और टाई ब्रेक के जरिए मुनराइज के टीम ने जीत दर्ज की है। सुंदर प्लेसमेंट बुलेट को लेकर खेलता हुआ एक समय दामो हटिंग पर भी जैसे ग्राउंड में बाइक से नवाजा जाने वाले प्लेयर से बुलेट खेलता हुआ एक तरफ बुलेट गोप जैसे वह साथ में खेलता हुआ, लेकिन गेंद जब तक अपने साथी तक पहुंचाते उनसे पहले वीरेंद्र की अच्छी प्रयास छोटी सी प्रयास लेकिन गेंद निकल गए टच से बाहर। मैच में अभी भी 0-0 की फासला तो टीम एक तरफ चाईवासा एफसी की टीम और अच्छे अच्छे स्ट्राइकर को लेकर खेलता हुआ चाईवासा एफसी तो इससे पहले जो मैच हुई थी जिसमें मुनराइज एफसी ने जीत दर्ज करके सेकेंड राउंड में क्वालिफाई कर चुके हैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और एक टीम है सर्जिकल स्ट्राइक इस टूर्नामेंट से पराजित होकर ये टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और पिछले बार का चैंपियन टीम है। इस साल उनका सफर की अगर बात की रनर सब टीम यहाँ पर अनुप जी थोड़ा सा कभी रनर अप बोल रहे कभी चैंपियन बोल रहे उनको भी थोड़ा सा शोक में है। तो रनर सब टीम पे जो कि फाइनल तक सफर किए थे वो टीम इस साल फर्स्ट राउंड से ही बाहर हो चुकी है सर्जिकल स्ट्राइक। तो मुनराइज एफसी जो मैन ऑफ द मैच चुना गया वो है रोया राम पिंगुआ मैन ऑफ द मैच चुना गया। आप कृपया करके हमारे मंच पे आ जाएंगे। जो मैन ऑफ द मैच के वार्ड जीते हुए फर्स्ट मैच में वो है मुनराइज एफसी के रोयराम जी को एक ट्रॉफी के द्वारा नवाजा जाएगा। ये ट्रॉफी दिया जाएगा मिस्टर जगदीश तिलागुरु जी के हाथों। और ये पुरस्कार देता हुआ मिस्टर जगदीश लागुरी जी रोयाराम पिंगुआ को जो कि इस मैच का मैन ऑफ द मैच। बहुत धन्यवाद रोयाराम जी जो कि इस साल का मैन ऑफ द मैच।
और ले चलते ये जबरदस्त मैच जसने वो आठ के पास की एडवांसिंग है। फर्स्ट हाफ का मैच चलता हुआ, फर्स्ट में दोनों टीम अभी भी शून्य शून्य की स्थिति में खेलता हुआ स्कोर आने की कोशिश है, लेकिन जैसे बच्चा यहाँ पर बांसी अपनी दबदबा छोड़ते ये मौका बन जाएगा सुनहत्तर बुलेट के लिए, और बुलेट ने कोई गलती नहीं की भीम, और यहाँ पर भीम के द्वारा स्कोर आता हुआ अंतिम फिनिशिंग देता हुआ। तो धन्यवाद, 1-0 से टीम आगे निकल चुकी इस वक्त, लेकिन टेकाराथू के पास भी क्षमता है, उनके पास भी अच्छे अच्छे स्ट्राइकर है, बस जर्सी नंबर नहीं होने को जैसे पता कुछ मुश्किल हो रहा है, जो कि सेंटर फॉरवर्ड से खेलता हुआ एक स्ट्राइकर है, और ये खिलाड़ी इनके पास क्षमता है, ये कब जब जब बॉल इनके पैरों में रहेगा तब तक वह टीम है चाईबासा एफसी के लिए दिक्कत की सामना डिफेंस लाइन को भेजते चीरते जा सकती है प्लेयर है। इतकिन खेलना होगा, फर्स्ट हाफ का मैच चलता हुआ काफी समय उनके पैरों में है, उनके पास में है, और ये पैरों की जादू जब चलेगी टीम टेकर हाथों की तो यहाँ पर चाईबासा एफसी को भी थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन देखा जाए आप थोड़ा सा चैन की सांस लेंगे इस वक्त टीम क्योंकि 1-0 से आगे निकल चुकी है। सुंदर प्लेसमेंट भीम देवगा मजगांव प्रखंड के एक चर्चित स्ट्राइकर, और इनके पास रनिंग की कमियां नहीं, ये सुंदर मौका जैसे बता से सुरतन के लिए, लेकिन सुरतन लेफ्ट फुट के जरिए गोल पोस्ट में रखने की लिए हुए है टीम टेकर हाथू एफसी की टीम। अगला मैच के लिए चले आएंगे कोटचूरा तिरिलपी बनाम अनुपलेबे, कोटचूरा तिरिलपी फुटबॉल टीम बनाम अनुपलेबे, दो टीम के टीम कैप्टन से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया करके आप अपना प्लेयरों को लेकर पूरी तरह से तैयारी रथ में आकर फोर्थ ऑप्शन में चले आएंगे आज का ग्रुप बी का तीसरा मैच खेलने के लिए कोटचूरा तिरिलपी बनाम अनुपलेबे, अनुपलेबे बनाम कोटचूरा तिरिलपी, दोनों टीम के टीम कैप्टन मैनेजमेंट से निवेदन रहेगा कि आप अपना पूरी प्लेयरों को प्रस्तुत करके रखेंगे, और ये मैच समाप्ति होने के 2 मिनट पहले पूरी तरह से अपना टीम को लेकर फोर्थ ऑफ सेल पे चले आएंगे कोविड जांच के लिए, और उस मैच के बाद मैच रहेगा हारिस एंड हारिस बड़बीता बनाम किशन क्लब चांदपुनी। तो ये जो 4 मैच रहेंगे जबरदस्त नून चलावा करना कौन को फूंडी फूंडी जैसे मिला को एंटी में चलावा सा एफसी ऐसा बढ़िया मौका सुनातन और जान गलती पर वो सुनातन एफसी सिंह है बिना या पोर्थो में कतर या पोर्थो में स्कोर भी पत्र में स्कोर सुनातन पत्र में स्कोर और एक प्लेयर के सब्स्टिट्यूट करता हुआ टीम में एक अच्छी संकेत यहां पर देखने को मिलता है टेकर हाथों की ओर से। फर्स्ट हाफ का मैच में 2 स्कोर से पिछड़ता हुआ, लेकिन कल के ग्रुप में देखा गया था और ये स्कोर होने के बाद कमबैक भी किए काफी। और यहां पर देखा जाए जैसे बस 7 मैच का रिस्टार्ट होने के बाद, लेकिन दुल्लू राम सिंह को टीम के टीम कैप्टन और मजगांव प्रखंड की एक बहुत चर्चितों में से एक जबरदस्त खिलाड़ियों में से एक खेलता हुआ टीम के टीम कैप्टन, और उनके जगह मनसिंह के जगह में ये प्लेयर इन हुए हैं। सुंदर पूरी डोज देता हुआ, लेकिन उसके पीछे वीरेंद्र लड़ पड़े हैं, लेकिन गेंद निकल गए पुनः टसन से बाहर, थोड़ा इनका मौका लेंगे टीम, वो टीम है जबरदस्त रन चलावा करना कौन को पुटी पुटी ससंग ससंग यानी हरा कलर नो जर्सी को तो सीतरे एन टीम को बड़ी गोल तक वायर करना नाना हुजूर के दर्शक को बंधु को लगे थे
नकुन को हेदे जरूर रे मिना को एने टीम जो के टेकर हाथ रे टीम तेने नकुन को पोंडी जर्सी नो रे मिना को एन टीम लो बायना साइमा साहब सिंह बारिश के टीम की मेलो क्षेत्र रैंक की मेलो मेलो परी गोल टायर रखना टीम गाड़ी एंता गुदम पामना गुदम पामना నేను నుం బాదాలు అను లగలాది బడికి టీమ్ కింగ్ అండ్ టీమ్ కింగ్ కు వైన తిరిల్పి కొట్టొచ్చరా యాని కొట్టొచ్చరా తిరిల్పి బనామా అడుపులేవే తో బడి టీమ్ ని టీమ్ కెప్టెన్ కింద విశేష అర్థ స్టైనే సి అవెన అవెన తరకు సజా సప్రావ్ కేతే ఫోర్త్ ఆఫ్ సిరా ఉపర్ చేస్తా అవెన్ సెకండ్ హాఫ్ రను చలవగన సెకండ్ హాఫ్ రే సిర్కి కింగ్ ఉనుంగ టీమ్ మే టెకర్ హతు మెదో ఉనుంగ సుచిహరా కి ఉనుంగ తన టీమ్ మే బడి గోల్ తే చలవగన యసుల్ లాజబాబ్ ఉనుంగ టెకర్ హతు తేరే బోల్ और ये सुनातन के लिए गेंद निकाला गया लेकिन सुनातन जब तक गेंद से पहुंचते उनसे पहले राबा के द्वारा सुंदर सेव करने के बाद अपना साथी लेफ्ट बैक को ढूंढने में सफल होता है। लेफ्ट बैक पुनः राइट बैक के लिए गेंद सरकाया गया। राइट बैक ने गेंद को रिसीव करने के बाद धीरे धीरे से अपना साथी को निहारते हुए सुंदर प्रेस मेट छोटे छोटे पास के जरिए आगे जाने की कोशिश से टीम टेकर हाथ गेंद को अपने कब्जे में रखने के बाद अभी भी टेकर हाथों के पास गेंद सुंदर प्रेस मेट अच्छी तालमेल लेकिन तालमेल को यहाँ पर ब्रेक करने में सक्षम होता हुआ टीम चाइवा साहब से लेकिन अभी भी टीम टेकर हाथू सुंदर प्लेसमेंट लंबा किक के जरिए और यह मौका बहुत सकता हेड करने के प्रयास लेकिन अंतिम में हेड आता हुआ जैसे बच्चे के द्वारा और असिस्टेंट रेफरी के साथ साथ मिडिल रेफरी के अच्छी तालमेल के साथ कॉर्नर की संकेत होता हुआ और कॉर्नर में अगर देखा जाए तो यह हाफ गोल माना जाता है। यह हाफ गोल को फुल गोल में बदल पाएगी क्या टीम एक कम से कम एक गोल की अगर यहाँ पर कमी आ जाए तो टीम के लिए फायदा कुछ तो फायदा बनेगा जो कि इस गोल अंतर कम से कम कम होगा। 2-0 की मजबूत बढ़त के साथ यहां पर टीम खेलता हुआ एक तरफ टीम चाइवासा एफसी और दूसरे तरफ टेकर हाथो एफसी और जब तक सीटी बजेगी नहीं तब तक किक नहीं ले सकते हैं। कृपया करके आप अपना वॉल पे चले जाएंगे जैसे मच्छू वॉल बनाते हुए वॉल मांगा गया है यहाँ पर चीवे टेका हाथों की आपसी की ओर से और खतरा नहीं मैच में अभी भी 2-0 की मजबूत बढ़त के साथ खेलता हुआ इट्स टीम चाइवासा सुंदर थ्रो भीम के लिए। अब भीम यह गदधारी भीम नहीं है फुटबॉल वाला भीम है लेकिन गेंद को जब तक अपने कंट्रोल में रखते हैं उससे पहले गेंद निकल गए टच से बाहर पूरी तरह से अपने कब्जे में अपने झोली पर भर चुका है टीम चाइवासा एफसी। क्या इसे चमत्कार खेल देखने को मिलेगा टीम टेकर हाथों की ओर से आदिश टेकर हाथों दो खिलाड़ी को भेजता हुआ चीरता हुआ यह मौका राइट स्कोर के लिए। क्या यहां पर क्रॉस देखने को मिलेगा लेकिन क्रॉस से पहले जयपाल के द्वारा सुंदर टच के जरिए गेंद को क्लियर करता हुआ पुनः लंबा किक लेकिन संजय के सीधे हाथों पे और गेंद को सेव करने के बाद लंबा थ्रो जैसे नंबर 4 और यहां पर 10 की अच्छी तालमेल सुनतन क्या क्या ड्रिबल करेगा लादाबाद ड्रिबल और यह मौका बन जाएगा सुनतन के लिए। काफी रनिंग के साथ जाता है बुलेट के लिए गेंद सरका बुलेट ओहो थोड़ा सा गेंद के ऊपर में पैर चढ़ा बैठे नहीं कि गेंद को अपने कब्जे में रख नहीं पाए। जबरदस्त रन चला हुआ गोल बड़ी गोल तैयार है करना चिन्ह बन कजी स्थानांग अनुभव चिमिन जबरदस्त से चाहे वास्ता एफसी फुटबॉल नुंगते ने चेकर हतो इना चाहे वास्ता प्रिया टीम के मैं तो बड़ी गोल तचना बगन अनुभव चिने का जी रासो बड़े जकिन टीम इस बड़ी टीम पूरे बड़े बड़े प्लेयर को बिना को बड़े प्लेयर के समावेश ना मैं तो खेल के मैच बने लेतना चाहे वास्ता एफसी जो का हावी में नहीं आया तालमेल जो का बड़े ने लेतना आया विपक्ष टीम विरुद्ध रहे इना मेंते ना जो का अनुभव रहे चाहे वास्ता एफसी 200 में तैयारा करना मैं दाकिन विपक्ष टीम ऐसे बड़ी उन्होंने उदबर उदबर कर मैं दाकिन फिनिशिंग काकिन फिनिशिंग दे इतने जो का अक्वा डिफेंस लाइन रे कमी टाइप की ना चीना टाइप की ना इन्हें मैंने तुरंत गोल या ना मैं निर्मा और स्पीच टकरा तो एफसी के पास मौका बन सकता है यहाँ पर काफी अच्छा शूट आउट लेकिन यहाँ पर दिशाहीन काफी तेज और काफी बेहतरीन शूट आउट था लेकिन यहाँ पर दिशाहीन अन्य था यहाँ पर
गोल अंतर कम करने का अवसर था। और इसलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट भीम के जगह में विवेक सिरका और इस बीच यहाँ मौका बन सकता था टकराते हुए, अभी भी खतरा टली नहीं है। और यहाँ पर अच्छा मौका बन सका, अगर इस गेंद को टारगेट में रखते तो निश्चित रूप से यहाँ पर गोल अंतर कम होने की संभावना कहीं ना कहीं दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर काफी डिसाइन शॉट रहा। और इस बीच पुनः यहाँ पर गोल किक का अवसर, डिफेंडर रॉयबन यहाँ पर विवेक को ढूंढना चाहा, लेकिन डिसाइन रहा पूरा। एक बार देख रहा तो अंतिम क्षणों में देख रहा तो काफी तेजी दिखाते हुए नजर आते। इस बीच यहाँ पर काउंटर का अवसर बन सकता है, यहाँ पर वन वर्सेस वन का मौका दुलू के लिए। और इस बीच काफी अच्छा मौका बना था दुलू के लिए, लेकिन पुनः एक बार विवेक सिरका के लिए अच्छा मौका बन सकता है। विवेक सर पुनः दुलू पुनः बैक पास कर दिए हैं, पुनः एक बार अभी भी खतरा टली नहीं है। काफी अच्छा मौका यहाँ पर बुलेट के लिए, एक अच्छा क्रॉस डाला था दुलू के द्वारा, और नाटकीय अंदाज में यहाँ पर गेंद बाहर आती हुई गोल बार से लग के यहाँ पर दुलू के पास काफी अच्छा अवसर था गोलकीपर को बीट करने का, वन वर्सेस वन का, लेकिन उनसे चूक। पुनः एक बार दुलू के पास मौका बना था, लेकिन स्वयं गोल ना कर बुलेट के लिए असिस्ट करना चाहा, लेकिन वहां पर बुलेट के द्वारा थोड़ी सी गलती और गेंद क्रॉस बार से टकरा गई, अन्यथा पर 3-0 की बढ़त बन सकती थी। यहाँ पर काउंटर अटैक में टकरा तो, और इस बीच टकरा तो एक लड़के सुंदर ढंग से चकमा देने के बाद पुनः अपने साथी के लिए पास किया और काफी अच्छा मौका बनाने का प्रयास करती हुई यहाँ पर, लेकिन सभी डिफेंस लाइन के खिलाड़ी मौजूद हो चुके हैं चैवा साहब के, और यहाँ पर कोई मौका नहीं देना चाहेंगे अंतिम क्षणों में। और इसी बीच ये मैच समाप्त हो चुकी है। और